मंदिर भगाने की मशीन है जानवरों को पाउडर लाता है वो चलाते हैं खुद में चलाते हैं। ये पानी भी डालना पड़ता है फिर जाके ये करंट देना पड़ता है। कृषि विभाग बागेश्वर एवं कृषि विज्ञान केंद्र बागेश्वर किसान मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। कृषि विज्ञान केंद्र काफली गहरे फार्म साइंस सेंटर इधर नीचे पे ये बोर्ड लगा है यहाँ पे एक और ये भी है ये पूरा है इधर। तो हेलो गैज गुड मॉर्निंग कैसे आप सब लोग आई होप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार गैज आज हम आए हैं काफली गहर पे ये दिखाता हूँ मैं ये काफली गहर बागेश्वर कृषि विज्ञान केंद्र है इधर है आज किसान मेला तो देखने आए हम देखते हैं क्या क्या है हमारे यहाँ किसानों द्वारा उत्पादन में अपना क्या क्या लाए हैं। ये सामने देखो कीवी है कीवी के पेड़। तो गाइस मौसम ऐसी है धुंध वाला बहुत ज़्यादा हो रहा है सब जगह का ऐसी हाल है पहाड़ों में आग लगा के। गाइस ये पूरा एरिया इधर ही है ये केवी के परिसर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये छोटे छोटे मधुमक्खी के बक्से हैं ये हमारे साथ हिमांशु और ये कैसे हैं काफी सुंदर सुंदर फूल है यहाँ पे ये। जाते हम नीचे की साइड उधर लगा है सब उधर ही अभी चल भी रहा है अभी कार्यक्रम। ये तो गाइस देखो गुलाब के फूल गुच्छे लगे हैं पूरे जगह जगह पे मधुमक्खी के देखो अंदर भी जा रहे हैं। ये मस्त है यहाँ। तो गाइस बढ़ते हैं हम टैंकी की तरफ पाली टैंक क्षमता है 1.9 लाख लीटर। तो ये वाली बिल्डिंग है कृषक आवास ट्रेनिंग वेनिंग को जो इधर रहते हैं किसान यहाँ पर भी एक टैंक दो हैं मशरूम के लिए बनाई गई है ये कुटिया तो मस्त बना है। तो ये बटन मशरूम के लिए लिखा है ये ऊपर से ICAR BPKAS ये संत नारंगी नींबू का ये लेमन ग्रासी है ये एजोला घास पानी में ये एजोला घास हाँ ये लिखा है एजोला प्रदर्शन इकाई ये चारा बनता है शायद इसका। ये धनिया हरी सब्जी लगाई है। तो ये है लघु डेयरी प्रदर्शन इकाई गाय छोटी बच्ची गोरी मुझ जैसी ये ये पूरा एरिया इधर ही आता है ये प्याज ये देखो प्याज की एकदम कलियां आई हैं एकदम मस्त बड़ी बड़ी हाँ वहाँ से डायरेक्ट इधर अंदर से इधर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ मस्त तरह तरह के फूल हैं बहुत सारे एकदम मस्त वाले
घास काटने वाली मशीन। हाँ वही वर्मी कंपोस्ट खाद बनता है यहाँ गोबर का। यहाँ पे लहसुन भी है वो उधर तक, बाकी प्याज देखो, प्याज देखो बहुत बड़ा हो रहा है, डंठली देख लो आप कितना मोटा है। हाँ बीज के लिए अभी दिया था इनको खाना, वही खा रहे हैं। दो छोटे अलग हैं, ये बड़े हैं। हरे हरे अंगूर। हाँ ये अंगूर की बेल गई है पूरी ऊपर तक, अच्छा लग भी गए हैं। हाँ ये लग रहे हैं अंगूर ये तीनों एक साथ, दो दगड़ू हैं। जर्सी गाय कितना देते हैं दूध एक टाइम में? 3-3.5 लीटर। कटर तो गाइस यहाँ पे हो रहा है रजिस्ट्रेशन, कौन कौन आया है क्या है करके करवाते हैं यहाँ पे। कैनन की है, एवरी कैनन बटन मशरूम, बटन मशरूम देखा था मशरूम वाले तो सब वाल का है। अंदर भगाने की मशीन है जानवरों को, पाउडर जाता है चलाते हैं ये पानी भी डालना पड़ता है फिर जाके ये करंट देना पड़ता है। आवाज़ से बंदरे हम जंगली जानवरों को भगाने के लिए एग्री कैनन गन कार्बाइड चला ली ऐसा है। स्वागतम बासमती पॉपकॉर्न गेहूँ दाल सोया आटा अलसी गहर रामदाना उड़द झंगोरा लाल धान सामान भी है। नाम लीजिए गोबर का है ये सब गौमई का, ये भी सारा कुछ आप गोबर का। ये गमला है, ये भी गमला है, ये धूप है, ये दिया ये है, ये ओम स्वास्तिक होगी इसको आप लॉकेट के तौर पर भी यूज़ करते जो चाबी के छल्ले के तौर पर। हाँ ये गणपति जी गोबर पे, ये साबुन इनको लगा सकते हैं, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ईट भी लाए हो ना, ये नेम प्लेट भी अगर आपको एक नेम प्लेट बनाना है तो मैक्सिमम एक पेड़ फट जाता है आपका। अगर आप गोबर से बनाएंगे तो वृक्ष का संरक्षण होगा, पेड़ आपका पेड़ बचा रहेगा, उससे नहीं होगा उसका घी नहीं। हम गेटी को लेके नहीं चल सकते ना, अगर हमको संरक्षण करना तो सारी गायों का करना पड़ेगा। ये पावर वीडर, पावर वीडर 20,000 का टक्कर, कुल टोटल 1,00,000 का है अनुदान में 80,000, बाकी 20% हमको देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले तो। आटा चक्की हो गया, जल पंप, हाँ ये सब वही है। हाँ ये है? ये गुलाब का, गुलाब का संतरे का है, ये गुलाब का है, ये संतरे का, ये गुलाब का। हाँ चूक भी है, ये जामीन, जमीन, ये नींबू, ये बड़ा वाला अदरक, अदरक गडेरी देखो आप, काफी मीठा वाला है नहीं गिरी है ये तो है। हाँ ये क्या है, ये क्या हुआ है, कैमोमाइल की चीज का हुआ है, ये जड़ी बूटी का ही हुआ चाय के लिए। हाँ इसमें चाय में भी डाल सकते हो और ये महिलाओं के लिए पेट दर्द में काम आता है ना। इसमें वो है, इसमें भी है तेज पत्ता है, 10-12 चीजें और तिमोर भी दिख रहा है।
है मेरे को? रोजमेरी है। सफेद राजमा ये कहाँ से लाए हैं? ठीक इससे यहाँ नहीं हो रहा उत्पादन। बाकी तो ये कस्तूरी मेथी वही है, हैंडमेड हैं सारे। अचार सत्री का 400 ग्राम। वो तो ठीक है। टोकरियाँ हैं मस्त वाली। डलिया भी पुलिस करती ये वाली लटकाने के लिए। तिरुल की है, तिरुल का लोग जंगलों में आग लगा रहे इसकी। हाँ इसकी ना तेल बनता है, ऑयल बनती है और इसकी ब्रिक्स बनती है, कोयला है, फाइल बन रही है, बैग बन रही है, सब इसी के हैं। सब इसी का बना है, ये भी इसी का बना है। जागरूकता नहीं आएगी तब तक तो ऐसे ही बिस्किट भी बने हैं। कौन सी बिस्किट? ये बिस्किट ही है। कहती हैं हिलांस, पहाड़ी हिलांस वही हैं, हिलांस वाले मडे वाले हरी मडवा बिस्किट टेस्ट में नहीं कर रहा। वहीं का तो है, ऊपर बनते हैं हमारे, वहीं बनते हैं। और हिमालय एनिमल के लिए दवाइयाँ पड़ी हैं सारी, बहुत ज़रूरी है, उनका भी ध्यान देना टेरा। ये तो पंप है स्प्रे वाला, ये रेशम भी आ गए बाबा। कटिंग चाकू भी धनिया का कलर कर रेशम वहाँ जरूर हो सकता है, वहाँ रुक जाता है पानी, लेकिन ज्यादातर एरिया में पानी नहीं रुकता है। जाल किसी का बनता है कि हरदम पानी अगर बारिश हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बारिश होने का बता रहे हैं तो अच्छी बात ही है, अगर बारिश नहीं हो आंवले का भी चाहिए। मैंने दवा देखी तुम्हें, कई बार ये होता है, सेब का जैम है, अगर हमारा चटनी है और पानी भर रखा है तो चूहा नहीं आता। ये आंवले का नेचुरल आंवला है जो हमारे यहाँ होता है, इसका हम जैम बनाते हैं। ये हरी मिर्ची का है, हरी मिर्ची का है या और आजकल तमाम तरह के, बाकी ये लहसुन है, लहसुन का गार्लिक बहुत बढ़िया। ये शंकर फ्रूट प्रोडक्ट रोड से हम जिला बागेश्वर और में मेरा प्रथम पुरस्कार भी है। परसों राज्यपाल जी द्वारा भी मेरे को 10,000 का इनाम मिला। हमने विकास भवन में स्टॉल लगाया था, उन्हें बहुत बहुत बधाई दी और मैं भी उनसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट आगे बढ़े। यहाँ से अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक वो उसकी वीडियो बना के दूंगा बोल रहे थे, मुझे भी आशा है कि आगे मेरा बाकी ये जूस है अलग अलग ये वाला नेचुरल रस है, इसमें कोई कलर नहीं है। ये हम जूस भी बना सकते हैं और चटनी और सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा माल्टा है घर का, माल्टे का स्क्वैश बना रखा है हमने। और ये प्रोडक्ट ये पुदीना होता है हमारे यहाँ घर गांव में, ये पुदीने का स्प्रेस बना रखा है, पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। और ये बुरांस है, ये रसी रस है, बुरांस हाइट का बुरांस है, ये बधानगढ़ी चमोली लग जाता है, ये चमोली गढ़वाल से लेते हैं। मेरा जिला बागेश्वर नहीं आता है बट मैं चमोली से हमारे भाषा में गढ़वाली को, और ये बुरांस का स्प्रेस बना रखा है।
इतना काला होता है, ये हाइट से कप का, और ये स्क्वैश में एक बोतल में 5 लीटर जूस बनी है। अच्छा। और ये शुगर फ्री है, इसमें कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं, ये इसका कलर नेचुरल है। और ये ग्रास जो है हार्ट के पेशेंट के लिए, हृदय रोग के लिए, दामा की बीमारी के लिए, सभी जो हर बीमारी पर काम करता है, पूर्णे की बीमारी के लिए अच्छा होता है, और पेट के लिए तो खास करके लाभदायक होता है। ये आंवला और ग्रास का रस है, रस हाँ, विदाउट शुगर, इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, और ये पेट के लिए लाभदायक होता है। ये आंवला होते हैं हमारे यहाँ, छोटे छोटे आंवला है, और इसका रस बना रखा है हमने, और ये आँखों की रोशनी के लिए और हृदय के लिए एक बीमारी दवाई। गुलाब, आजकल लाल गुलाब हो रहा है, सभी के घर में होता है, और ये मैंने इसका शरबत बना रखा है, और ये अपने घर का ही है, ये स्क्वैश में एक बोतल से 5 बोतल तक इसका जूस बनाते हैं। मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, दूर होने के कारण से मैं यहाँ ले ला नहीं पाया। तो गाइस जी हैं हमारे बागेश्वर के DM जी श्री विनीत कुमार जी, वो भी पधार चुके हैं यहाँ पे। तो हमारे जो DM सर हैं वो छोटे छोटे जो स्टॉल लगे हैं उन पे जा रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या क्या बनाया है, सामान देखते हैं, क्योंकि किसान मेहनत करता है खूब। ये देखो ग्रोथ सेंटर सामान, स्ट्रॉबेरी, भूपेंद्र सिंह करूँगा वो है ना, ये है हमारे DM से। निदेशक महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद कॉलेज कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत सर, उपस्थित विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी बागेश्वर शामिल है। इसके बाद मैं मुख्य कृषि अधिकारी महोदय से एक बार पुनः आग्रह करूंगी कि वे हमारे डायरेक्टर महोदय का स्वागत भी पुष्प रूप से लेकर आएंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। ये तो गैज किसान हैं, इनको सम्मानित किया जा रहा है। कुछ कुछ किसान हैं आगे दिखाता हूँ मैं, जूम करके थोड़ा दिख नहीं रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा उनको बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपना। तो गैज माननीय हमारे जो DM जी हैं विनीत कुमार सर, उनके द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है। तो अभी बच्चों को दिया जा रहा है गिफ्ट, छोटी सी बैट जो स्वागत गीत गाया था ये। तो गए जा रहे हैं ये हमारे DM जी, आप लोगों ने अपने सवाल भी पूछने हैं और विशेषज्ञों ने नंबर मुझे लगा है आइटम क्या क्या है, एक फावड़ा है, पंजा है, जो क्या है रेट इसका है, 1800 3311 3311।
तो हमारे सी टी ऑफिसर थोड़ा सा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे पांडे सर जी ये जूस मिल रहा है हमें 10 रुपये गिलास कीवी का और ब्रांस का। यह है कीवी का रस जूस। ये बताना का सारा टेस्ट पियो तो सही। ये नहीं है क्या बहुत बड़े इसके तक काम वैसे ठीक है लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है। वैसे ठीक हो रहा है जब ठंडा पिएंगे तो सही नहीं। साथ ही साथ तेरे को दे दिया कीवी का जूस। ये गाइस खाना मिल रहा है यहाँ पे। ये बॉक्स देखा जाए क्या क्या है। पूरी और आलू और एक लड्डू। वाह हो गया समापन। सब गायब हो गया यहाँ से। सब ये देखिए आप दो भाई खूब जमे गए आगे क्या आप हम और हमारा दगड़ो। आज का मेला यहीं पे समाप्त। सब पैकिंग वैकिंग सब शुरू। चलते हैं हम भी घर की तरफ। चलो चलो मसूर धान चलो ये पोज देख रहे हो तुम राजदा के कैसे लग रहा है। बढ़िया यार हो गया भोजन हो गया। ये सर चलते हैं दिना सर। ओके सर ये है मैग्नीसाइड टेक्सटाइल की कंपनी। वो सॉरी पर कारखाना अल्मोड़ा वर्कर्स मैग्नीसाइड के जैसी है।